श्री वैष्णो देवी की कथा आइए भक्तगणों प्रारंभ करें। मुंह मांगी मुरादें देने वाली माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा के भीतर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की तीन भव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री दर्शन करने की मनोकामना लेकर के आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सती की एक बाजू भुजा गिरी थी। मार्ग परिचय: पठानकोट से जम्मू लगभग 3 घंटे का बस का मार्ग है। रेल भी जम्मू तक आती है। जम्मू से यात्री बस द्वारा केवल 2 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। जम्मू से कटरा 52 किलोमीटर है। कटरा से 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई प्रारंभ होती है, जिसे स्वस्थ यात्री 4 घंटे में चढ़ जाते हैं। जो यात्री पैदल जाने में असमर्थ हों, उनके लिए कटरा से घोड़ा खच्चर आदि सुविधा से उचित मूल्य पर मिलते हैं। वैष्णो देवी जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिए कटरा से यात्रा पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पर्ची कटरा बस स्टैंड पर स्थित टूरिस्ट सेंटर से निःशुल्क दी जाती है। माता वैष्णो देवी का इतिहास: देश में विपरीत परिस्थितियां होने पर समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश करके भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किए। यह तीनों रूप ही रज तम और सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण कुंभकर्ण खरदूषण ताड़का आदि राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार आरंभ किए, तब भगवती की समस्त शक्तियों ने एकत्र होकर धर्म और साधुओं की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से समूह से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप एक सुंदर दिव्य कन्या उसी समय प्रकट हुई। उस कन्या ने महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? तो महाशक्तियों ने उस दिव्य कन्या से कहा, इस संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं उसके प्रचार के लिए उत्पन्न किया है। अब तुम दक्षिण भारत में जाकर रत्नाकर सागर के घर पुत्री बनकर जन्म लो। वहां तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा होगी। उसके बाद तुम आत्म प्रेरणा से धर्म हित सब कार्य करोगी। महादेवियों की इच्छा अनुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में अवतार लिया। कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। बाद में यही कन्या भगवान विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण वैष्णवी कहलाई। और जिस धर्म का प्रचार कन्या ने किया वैष्णव धर्म कहलाया। थोड़े समय में ही देवी त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषियों मुनि और देवताओं को भी आकर्षित कर लिया। प्रसिद्धि भी फैलती गई और दूर दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर तप करना आरंभ किया। वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लीन होकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण किए जाने पर श्री राम वानर सेना सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां समाधि में बैठी उस दिव्य कन्या को देखा। श्री राम के पूछने पर त्रिकुटा ने अपना परिचय दिया और तपस्या का कारण बताया कि मैंने आपको पति के रूप में पाने का निश्चय किया है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि हे सुंदरी, मैंने इस राम अवतार में एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लिया है, किंतु तुम्हारे तप का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, इसलिए मैं किसी दिन तुम्हारे पास भेष बदल कर अवश्य आऊँगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। कहते हैं कि लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर कन्या के पास आए, किंतु वह उन्हें पहचान न सकी। तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्कि अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की सुरम्य गुफा में, जहाँ 3 शक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो।
वहां पर तुम अमर हो जाओगी। लांगूर वीर तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। समस्त भूमंडल तुम्हारी महिमा का गान करेगी। तुम वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध होगी। विश्वास किया जाता है कि रत्नाकर सागर की कुमारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से ही सुंदर गुफा में विराजमान है, जिसके विषय में प्राचीन कथाओं से आधार लिया जा सकता है। युग बदलते रहे, माता अपनी लीला समय समय पर करती रही और न जाने कितनी ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ। कलयुग में जिस कथा के कारण इस स्थान का प्रचार अधिक हुआ वह इस प्रकार है। वैष्णो देवी जी की कहानी। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली नाम ग्राम है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे, जो इसी ग्राम के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते थे। संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। श्रीधर जी सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर माँ वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण कर आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थीं। उन्हीं में जगत माता भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भक्त जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि वह कन्या उन्होंने कभी न देखी थी और न ही उनके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेने पर चली गईं, पर वह दिव्य कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने ही वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि अपने गांव में आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? कौन ना हो यह जरूर कोई शक्ति थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की बात को ही मुख्य रखा, आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे के पधारने का निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ जी ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को भोजन का निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सब कथा सुनाई। गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है, परीक्षा करके तो देखना चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कह दिया, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर आएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव-गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातःकाल होते ही फिर पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं, प्रबंध कैसे हो। न मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी भी अपने चेलों सहित वहां पहुंच गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूप कन्या प्रकट हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा, उठिए और योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करो। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा, तो गुरुजी बोले, हम चेलों सहित इस कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, योगीनाथ, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय योगी कुटिया में गए तो सबके सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बच रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। यह देखकर गोरखनाथ और भैरव ने परस्पर विचार किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है, यह वास्तव में कोई है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई
भैरवनाथ जी के पास पहुंची तो भैरव जी ने कहा, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया, लेकिन मेरा मन और कुछ चाहता है। बोलो योगीराज, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था। भैरव देवी ने से मांस और मदरा मांगी तो कन्या ने जोगी को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ जी के मन की बात तो वैष्णवी पहले ही जान चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ जी ने योग विद्या के बल से देखा कि वह दिव्य कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। अतः योगी राज भैरव ने पीछा करना प्रारंभ कर दिया। दर्शनी दरवाजा, बाण गंगा, चरण पादुका आदि स्थानों से होकर आदि कुमारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी 9 महीने तक विश्राम किया। भैरव फिर भी खोज करता रहा। अंत में किसी प्रकार सुंदर गुफा के समीप पहुंचकर देवी ने भैरव का वध किया। यह आप इस ग्रंथ में आगे पढ़ेंगे। उधर भक्त श्रीधर जी ने कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी थी। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया था, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती है। अतः एक रात स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे जी की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहीं। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष माँ के दर्शनों के लिए आने लगे और वैष्णो देवी के नाम से तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हो गया। श्री वैष्णो देवी तीर्थ के दर्शनीय स्थल श्री रघुनाथ मंदिर, यह वैष्णो देवी यात्रा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं दर्शनीय मंदिर है। राम यंत्र के आधार पर निर्मित इस मंदिर में लगभग सभी देवताओं के 15 विशाल मंदिर हैं। महाराज रणवीर सिंह द्वारा 1856 ईस्वी में बनवाया गया पूरे भारत में बेजोड़ मंदिर जम्मू में बस अड्डे के समीप ही स्थित है। कुछ यात्री वैष्णो देवी जाने से पहले तथा कई वापसी में भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के परकोटे में 6 बड़े हॉल हैं, जिनमें अनगिनत शालिग्राम संग्रहित हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार नर्मदा नदी से निकाले गए इन शालिग्रामों की गिनती 12,50,000 है। कौल कंधौली नगरोटा जम्मू से 9 किलोमीटर दूर नगरोटा नामक स्थान में भगवती का कौल कंधौली नाम से प्राचीन मंदिर है। वैष्णो देवी यात्रा में पहला दर्शन इसे ही माना जाता है। जिन दिनों जम्मू से पैदल यात्रा हुआ करती थी तब यह स्थान पहला तथा मुख्य दर्शन समझा जाता था। अब यदि यात्री चाहे तो जम्मू में ही बस ड्राइवर को इस स्थान पर रुकने के लिए आग्रह कर देवे, अन्यथा बस यहाँ नहीं रुकती। कहा जाता है कि माता ने यहाँ अन्य स्थानीय बालिकाओं के साथ गेंद क्रीड़ा की थी। गेंद खेलते हुए जब कन्याओं को प्यास लगी तो माता ने उन्हें एक कौल कटोरा दिया, जिसको सूखे स्थान पर कंधोलने लगे, हिलाने से पानी निकल आया। इसी से यह स्थान कौल कंधोली नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूजा दर्शन देवा माई, जम्मू से लगभग 4 किलोमीटर दूर कटरा मार्ग पर नुमाई नामक गांव पड़ता है। नुमाई में देवा माई तक जाने के लिए पगडंडी मार्ग है। इस स्थान को वैष्णो देवी की यात्रा में दूसरा दर्शन कहा गया है। यहाँ पर माता की मूर्ति के अतिरिक्त छोटा त्रिशूल भी है। जिन दिनों पैदल यात्रा होती थी उन दिनों देवा माई में बहुत चहल पहल रहती थी। अब तो बहुत कम यात्री यहाँ तक
जा पाते हैं। इस स्थान का नाम वैष्णो माता की एक पुजारिन माई देविया के नाम पर रखा गया, जिसने आयु पर्यंत नियम श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक देवी की आराधना की थी। आधार बाबा जित्तो कटरा से रियासी जाने वाली सड़क पर लगभग 4.5 किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी के परम भक्त बाबा जित्तो का जन्म स्थान है। यहाँ पर जो पवित्र जलधारा बहती है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसमें स्नान करने से स्त्रियों के बाजपन का दोष दूर हो जाता है। श्रद्धालु भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ भंडारा करते हैं, बाबा जित्तो का गुणगान करते हैं। बस स्टैंड कटरा, इसी स्थान से पैदल यात्रा आरंभ होती है। साथ ही कटरा का एक लंबा बाजार है, जहाँ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। ठहरने के लिए निकट ही होटल, धर्मशाला तथा यात्री विश्राम गृह बने हुए हैं। सामने श्रीधर सभा नाम द्वारा निर्मित 7 मंजिला विशाल भवन है, जिसमें हजारों यात्री ठहर सकते हैं। यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक यात्री के लिए बस स्टैंड पर ही स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से यात्री पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा बाण गंगा से वापस आना पड़ता है। यह यात्रा पर्ची निःशुल्क दी जाती है। रघुनाथ मंदिर कटरा बस स्टैंड से लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ यह सुंदर मंदिर स्वामी नित्यानंद जी का बनवाया हुआ है। यहाँ श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त 112 मन बजनी हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति भी है। भगवान आशुतोष का मंदिर और स्वामी नित्यानंद जी की समाधि भी बनी हुई है। वैष्णो देवी जाते हुए यात्री रास्ते में इस स्थान के दर्शन कर सकते हैं। भूमिका मंदिर कटरा से लगभग 2 मील दूर पैंथल जाने वाली सड़क पर यह ऐतिहासिक मंदिर है। यही वह स्थान है जहाँ से माता वैष्णवी कलयुग की कहानी की विशेष भूमिका बनती है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पहले यहीं पर भक्त बाबा श्रीधर जी को देवी की कन्या रूप में साक्षात दर्शन हुए। समीप ही हंसाली नामक एक गांव है, पंडित श्रीधर जी इसी गांव के निवासी थे तथा नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे। इसी स्थान पर दिव्य कन्या ने अपने दिव्य कमंडल से नाथों को भंडारा दिया तथा भैरवनाथ के अभद्र व्यवहार की चेष्टा करने पर अंतर ध्यान हो गई। दर्शनी दरवाजा दिव्य कन्या भूमिका नामक स्थान से लोप होकर उसी स्थान से होती हुई त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी। स्मृति स्वरूप यह दरवाजा बना है। त्रिकूट पर्वत का पहला दर्शन यहाँ होता है, इसी से दर्शनी दरवाजा कहा जाता है। कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर है। चिंतामणि मंदिर धर्मशाला कटरा से माता के दर्शनों के लिए जाते हुए यात्री मार्ग में ही इस भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा निर्मित विशाल धर्मशाला में आधुनिक सुविधा से युक्त कई कमरे जहां यात्री विश्राम कर सकते हैं। मंदिर में दुर्गा जी सुंदर प्रतिमा विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर है। बाण गंगा का मंदिर व पुल कन्या रूपी महाशक्ति जब इस स्थान से होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ वीर लांगुर भी था। चलते चलते वीर लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रभावित कर दी और अपने प्रहरी की प्यास को बुझाया। उसी गंगा में देवी ने अपने केश धोकर संवारे, इसलिए उसे बाण गंगा भी कहते हैं। यह स्थान कटरा से 2 किलोमीटर और पिछले दर्शनी दरवाजा नामक स्थान से 1 किलोमीटर दूर है। एक पुल द्वारा इस गंगा को पार कर आगे बढ़ते हैं। समीप ही मंदिर है, अधिकांश लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। यहीं से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग भी आरंभ हो जाता है, साथ ही कच्चा मार्ग भी है जिससे खच्चर घोड़े आदि जाते हैं। वास्तव में यहाँ से त्रिकूट पर्वत की कठिन चढ़ाई प्रारंभ होती है। चरण पादुका मंदिर इस स्थान पर रुककर महाशक्ति देवी ने पीछे की ओर देखा था भैरव जोगी आ रहा है या नहीं। रुकने से स्थान पर माता के चरण चिन्ह बन गए, इसी कारण इस स्थान का नाम चरण पादुका पुकारा जाता है। बाण गंगा से यह 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आदि कुमारी इस स्थान पर दिव्य कन्या ने एक छोटी गुफा के समीप तपस्वी साधु को दिव्य दर्शन दिए और उसी गुफा में 9 महीने तक इस प्रकार रही जैसे कोई शिशु
अपनी माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। तपस्वी ने भैरव को बताया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, अपितु महाशक्ति है और आदि कुमारी है। भैरव ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, माता ने त्रिशूल प्रहार करके गुफा के पीछे दूसरा मार्ग बनाया और निकल गई। इस गुफा को गर्भजून और स्थान को आदि कुमारी कहा जाता है। चरण पादुका से 4-4.5 किलोमीटर समुद्र तल से 4800 फीट है। हाथी मत्था की चढ़ाई, आदि कुमारी से आगे क्रमशः पहाड़ी यात्रा सीधी खड़ी चढ़ाई के रूप में प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण इसे हाथी मत्था के समान माना गया है। सीढ़ियों वाले रास्ते की अपेक्षा घुमावदार पहाड़ी पगडंडी से जाने में चढ़ाई कम मालूम होती है। समुद्र तल से ऊंचाई 6500 फीट के लगभग है। आदि कुमारी से लगभग 2.5 किलोमीटर सांझी छत। हाथी मत्था की चढ़ाई के बाद यात्री सांझी छत पहुंचते हैं। इसे दिल्ली वाली छबील कहा जाता है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद माता के दरबार तक सीधा और उतराई का मार्ग है। माता का भवन तथा गुफा का प्रवेश द्वार, गुफा के प्रवेश द्वार पर ही मंदिर अथवा भवन बना है। इसके सामने क्रम से पंक्तिबद्ध होकर भक्तजन दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार काफी संकरा तंग है। लगभग 2 गज तक लोटकर या काफी झुककर आगे बढ़ना पड़ता है। गुफा के अंदर सीधे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। टखनों की ऊंचाई तक शुद्ध एवं शीतल जल प्रवाहित होता है, जिसे चरण गंगा कहते हैं। नई गुफा यात्रियों की सुविधा के लिए 20 मार्च 1977 को इस नई गुफा का उद्घाटन डॉक्टर कर्ण सिंह जी द्वारा संपन्न हुआ। प्रवेश द्वारा संकरा होने के कारण यात्रियों को दर्शन करने के पश्चात वापस आने में काफी समय लग जाता था, जिससे अन्य यात्रियों को बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी तथा सीमित संख्या में ही लोग दर्शन कर पाते थे। भैरव मंदिर का इतिहास, देवी कन्या आगे बढ़ती रही, भैरव पीछे करता रहा। गुफा के द्वार पर देवी ने वीर लांगुर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरव को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या गुफा में प्रवेश कर गई तो भैरव भी घुसने लगा। वीर लांगुर के साथ भैरव का युद्ध हुआ। फिर शक्ति ने चंडी रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। धड़ वहीं गुफा के पास तथा सिर भैरव घाटी में जा गिरा। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा था, उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई, हे आदिशक्ति कल्याणकारिणी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचेता माँ के हाथों हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे इस रूप से अपरिचित था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा न किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और मेरे नाम से घृणा करेगा। माता न हो कुमाता, वैरव भैरव के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर जगत कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के पश्चात तेरे दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कथन के अनुसार यात्री दरबार के दर्शनों के बाद वापसी भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हे मात मेरी कैसी है देर लगाई हे दुर्गे, भव सागर में गिरा पड़ा हूँ, काम आदि ग्रह में गिरा पड़ा हूँ, मोह आदि जाल में जकड़ा पड़ा हूँ। न मुझ में बल है, न मुझ में विद्या, न मुझ में भक्ति, न मुझ में शक्ति, शरण तुम्हारी गिर पड़ा हूँ। न कोई मेरा कुटुम्ब साथी, ना ही मेरा शरीर साथी, आप ही उबारो पकड़ के बाहें, चरण कमल को नौका बनाकर मैं पार रहूंगा खुशी मनाकर, यमदूतों को मार भगाकर सदा ही तेरे गुणों को गाऊं, सदा ही तेरे स्वरूप को ध्याऊं। ना मैं किसी को ना कोई मेरा, छाया है चारों तरफ अंधेरा, पकड़ के ज्योति दिखा दो रास्ता हे माई, शरण पड़े हैं हम तुम्हारी, करो ये नैया पार हमारी। जय माता दी।